हृदय रोग, हृदय की धमनियों में आए हुए अवरोध, हृदय की कार्य क्षमता में अल्पता, हार्ट का इनलार्ज होना, हृदय स्पंदन का बहुत ज्यादा बढ़ जाना, मेटल वाल्व प्लफ्स की प्रॉब्लम, टिकिकार्डिया की प्रॉब्लम, हार्ट के अंदर ब्लॉकेज की प्रॉब्लम, वाल की प्रॉब्लम, इन समस्त समस्याओं का समाधान योग से ही संभव है। और जिस योग से आदमी के हार्ट की ब्लॉकेज ही निकल जाते हो, उस योग को क्यों ना करें भाई। खान पान में थोड़ा चेंज करो, तली हुई चीजें ज्यादा ना खाओ, हरी सब्जियों का ज्यादा प्रयोग करो। वैसे तो लौकी का जूस हम हार्ट के रोगियों के लिए बताते हैं, एक ग्लास लौकी का जूस, 7 पत्ते तुलसी के, 7 पत्ते पुदीना के, उसमें 3 से 5 काली मिर्च भी डाल देना, थोड़ा ठंडा होता है। इसलिए जिनको अस्थमा है, जिनको जोड़ों में दर्द है, वे जरा इसमें सौंठ और काली मिर्च डाल करके ही पीना। लेकिन भाई ये सब करने से पहले प्राणायाम कर लेना, प्राणायाम के करने से आपके हृदय की प्रॉब्लम परमानेंट क्योर हो जाएगी। प्राणायाम ही से हृदय की ग्रंथियां, हृदय के अवरोध सारे खुल जाते हैं। प्राणायाम के अभ्यास को आगे बढ़ाते हैं, श्वासों को भीतर गहरा भरेंगे, ध्यान दें, जोर से प्राणायाम नहीं करना, धीरे धीरे करना। अभी तक तो एक भ्रांति ये भी थी कि हार्ट के रोगियों को, उच्च रक्तचाप के रोगियों को प्राणायाम नहीं करना, यह गलत अवधारणा। हार्ट के रोगियों को प्राणायाम करना है, खास बात, परंतु धीमी गति से। यूं गहरा श्वास भरे, बाहर छोड़ो, लंबा गहरा सांस लेना, बाहर छोड़ना है, सहज करना, धीरे धीरे अभ्यास करके 1 मिनट, फिर 2 मिनट, जब थकान लगे तब रुक जाए। बस शर्त यही है कि अतिरिक्त बल का प्रयोग ना करें, शक्ति का अतिक्रमण ना करें, सहज करें और प्रसन्नता से, आनंद से, मस्ती से करें, भावपूर्णता के साथ। हार्ट के अंदर ब्लॉकेज का एक कारण जहां ज्यादा वसायुक्त पदार्थ खाना, ज्यादा तेल घी का प्रयोग करना, हरी सब्जियों का कम खाना, रिच फूड ज्यादा लेना, ये हृदय रोग का एक कारण है। वही दूसरा बहुत बड़ा कारण है स्ट्रेस, तनाव। भाव से, मस्ती से, आनंद से प्राणायाम करो और फिर देखो, श्वास एक भीतर गहरा भरो ना, बाहर छोड़ो और मन में सोचो, हृदय के सब अवरोध दूर हो रहे हैं, दूर हो रहे हैं, दूर हो रहे हैं और हो चुके हैं। तुम प्राणायाम करो हार्ट के लिए, हार्ट के ब्लॉकेज ही खुल जाएंगे, ओरिजिनल हार्ट दोबारा से तुम्हें मिल जाएगा। बस भस्त्रिका प्राणायाम, ऐसे आराम आराम से करना, जब थक जाओ तब रुक जाना, और ये भाव से करना और मन में सोचना, हृदय के अवरोध सब खुल रहे हैं, सब प्रॉब्लम ठीक हो रही हैं, मेरा हृदय। अपने आप खुद को ट्रीट करना, भगवान से प्रार्थना करना, भगवान को अपना डॉक्टर बना लो, स्वयं को अपना डॉक्टर बना लो। खुद पर विश्वास रखो, खुदा अल्लाह परमेश्वर गॉड पर विश्वास रखो, उस ईश्वर पर ओंकार ब्रह्म परमेश्वर पर विश्वास रखो, जिन्हें की कोई ताकत तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। करना पड़ेगा प्राणायाम को रोज, ये प्राणायाम आपको रोज 1 घंटा करना है, जो भाई मैं बता रहा हूँ। थोड़ा वक्त लगेगा, हो सकता है आपको 2 घंटे लगे, क्योंकि थक जाएंगे आप बीच बीच में ज्यादा। भस्त्रिका प्राणायाम 5 मिनट, एक से लेकर धीरे धीरे 5 मिनट, कपालभाति 15 मिनट, 5 मिनट प्रारंभ करना पहले दिन, भस्त्रिका के बाद ही कपालभाति। श्वासों को बाहर छोड़ना, लेकिन बहुत तेजी से यूं नहीं करना, इससे तो आपको हार्ट के प्रॉब्लम बढ़ जाएगी मेरे भाई। देखो हार्ट के ब्लॉकेज खुलेंगे, कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड टोटल नॉर्मल, एक विद इन वीक, 1 सप्ताह में, बस यही कपालभाति प्राणायाम। बहुत ज्यादा हार्ट की प्रॉब्लम है, हर समय हार्ट में पेन रहता है,
और कईयों को तो मैंने देखा है ऑपरेशन कराने के बाद, बाईपास कराने के बाद या एंजियोप्लास्टी कराने के बाद भी मसल में पेन रहता है, तो क्या करें? धीरे करें। लेकिन इतनी धीरे भी नहीं करना कि आप, इतनी धीरे नहीं, थोड़ा सा तेज, मध्यम गति। तेजी देखो ये है, ऐसे नहीं करना, मध्यम गति, मध्यम शक्ति के साथ आप कपालभाति प्राणायाम ये करना आप प्रतिदिन 5 मिनट से प्रारंभ करके 15 मिनट तक, और करते करते सोचना हार्ट के ब्लॉकेज दूर हो रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल घट रहा है, ट्राइग्लिसराइड घट रहा है, सब अवरोध दूर हो रहे हैं, हृदय स्वस्थ हो रहा है, हार्ट इनलार्ज था वो भी नॉर्मल आ जाता है, ऐसा हो चुका है। कपालभाति प्राणायाम, सांसों को बाहर छोड़ना, आप बहुत कमजोर हैं, धीरे करें और धीरे करें। सांस को बाहर छोड़ेंगे तो पेट अंदर जाएगा। कपालभाति प्राणायाम 15 मिनट करना है, बहुत ही हार्ट के प्रॉब्लम हो तो और बढ़ा सकते हैं, 20 मिनट तक कर सकते हैं, लेकिन 5 बार करने से कोई लाभ नहीं होगा। जितनी देर मैं जिस प्राणायाम को करने के लिए बोलता हूं उतनी ही देर करें। प्राणायाम के ऊपर शोध करने के बाद, अध्ययन करने के बाद, चिंतन करने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि जैसे दवाओं की एक डोज होती है, उनकी एक क्वांटिटी होती है, उनकी एक मात्रा होती है, उसका एक समय होता है करने का, खाने का, दवा खाने का, और उसके द्वारा कुछ लाभ होते हैं। ऐसी दवा की तरह प्राणायाम लाभ करता है, दवा से कई 100 गुना ज्यादा, 1000 गुना ज्यादा, 1,00,000 गुना ज्यादा प्राणायाम फायदा करता है। बस उसका समय ठीक हो प्राणायाम का, कि कितनी देर किस प्राणायाम को करना, उसकी विधि ठीक हो, और उस प्राणायाम को करते समय मन के भाव ठीक हो, तो विधि, समय, संकल्प और सिद्धि। फिर जो हम कहते हैं कि इस प्राणायाम से ये होता है, जैसे इस दवा खाने से ये लाभ होता है, ऐसे तो प्राणायाम के करने से ये लाभ होता तो होगा ही होगा। तो विधि कपालभाति की, श्वासों को बाहर छोड़े, ये प्राणायाम ऐसे करना, ऐसे नहीं करना, उल्टा कर रहे हैं आप, और बहुत जोर से भी नहीं करना, शरीर नहीं हिलाना, सिर नहीं हिलाना, एक लयबद्धता आएगी, मन शांत हो जाएगा, मस्तिष्क छाएगी, निर्विकार निर्विचार स्थिति में तुम पहुंच जाओगे, ध्यान भी लगेगा, समाधि भी लगेगी, अपने आप सहज तुम अध्यात्म में भी उन्नत हो जाओगे और देह की व्याधियों को भी मिटा पाओगे। कपालभाति प्राणायाम करना। योग यात्रा में अब तक आपने देखा आहार नियंत्रण और प्राणायाम। योग यात्रा में आगे है हृदय रोगों में एक्यूप्रेशर। योग यात्रा में अब तक आपने देखा प्राणायाम से हृदय रोगों में आराम। तो बीच में एक्यूप्रेशर भी कर लेना, ये एक्यूप्रेशर है, बाएं हाथ में ये पॉइंट, बाएं हाथ में लेफ्ट साइड हार्ट होता है, तो लेफ्ट हैंड में ये पॉइंट है हाथ के अंदर एक्यूप्रेशर का, छोटे उंगली के नीचे, यहां से ये जीवन रेखा, इसके ऊपर ये हार्ट का पॉइंट, और इसी उंगली के पीछे टॉप पर यहां पर ये, यहां से भी दबा देना, 1 मिनट यहां से यूं दबाएं, यहां से, और 1 मिनट यहां से ये दबाएं, ये हार्ट के लिए पॉइंट, 1 से 2 मिनट, अधिकतम 5 मिनट दबा सकते हैं, कोई भी एक्यूप्रेशर का पॉइंट, एक्यूप्रेशर खाली पेट या खाने के 2 घंटे बाद करना चाहिए, उतना दबाएं पॉइंट के ऊपर जितना सह पाएं, और गलत जगह दब जाएगा तो कोई नुकसान नहीं, बस सही जगह मिल जाएगी तो आपको दर्द होगा बस वहाँ, ये खास पहचान है इसकी। ये हार्ट का पॉइंट भी दबा लेना, और ये भी पॉइंट दबा लेना, क्योंकि स्ट्रेस के कारण से भी हार्ट की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ती है, इस स्ट्रेस के लिए ये, हार्ट के लिए, और इधर से ये, और लास्ट में किडनी का पॉइंट जरूर दबा लेना। सभी एक्यूप्रेशर के पॉइंट दबाने के बाद में ये किडनी का पॉइंट जरूर दबा लिया करें, जैसे हाथ में बताए ऐसे ही पैर में भी ये एक्यूप्रेशर का पॉइंट है हार्ट के लिए। पैर में देखो यहाँ पर ये पॉइंट होता है, पैर में एक्यूप्रेशर का ये पॉइंट इस जगह,
ये स्थान आप दबाएं, और यहाँ से दबाने से यहाँ पेन होगा, तब आपको पता लग जाएगा कि हार्ट का पॉइंट ठीक दब रहा है कि नहीं। यूँ दबाएं और इसी तरह से पैर में भी यह उंगली और इस छोटी उंगली के टॉप के ऊपर यूँ दबा देना। जैसे हाथ में पॉइंट बताया, ऐसे पैर में, बाएं हाथ में, लेफ्ट लेग में, लेफ्ट हैंड में ये पॉइंट होते हैं, ये एक्यूप्रेशर के पॉइंट। प्राणायाम करते हुए बीच में जब थोड़ा विश्राम करना हो तब इनको कर लिया करें। प्राणायाम करते हुए बीच में विश्राम कर सकते हैं। बाह्य प्राणायाम तीन बंद के साथ, ठोड़ी को कंठ को पे लगाएंगे, पेट को सिकोड़ के पीठ से लगा देंगे, नाभि से निचले भाग को ऊपर खींच कर रखेंगे, त्रिबंध के साथ बाह्य प्राणायाम इस तरह से निष्पन्न होगा। हार्ट की प्रॉब्लम ज्यादा है तो बाह्य प्राणायाम करना ही नहीं है। फिर अग्निसार कर लें, कैसे? श्वास को अंदर भरा, बाहर छोड़ के, बाहर रोक दे और पेट को अंदर खींचे और ढीला छोड़े। इस तरह से 5-7 सेकंड करने के बाद रुक जाएं, फिर एक बार श्वास अंदर भरे और बाहर छोड़ के बाहर कर देना और पेट को थोड़ा खींचना, अंदर ढीला छोड़ना। प्राणायाम की प्रक्रिया विशेष रूप से हृदय रोगियों के लिए मध्यम गति, मध्यम शक्ति के साथ, पूरे समर्पण के साथ, सकारात्मक चिंतन के साथ आपको प्राणायाम करना। तो भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, ये बहुत हार्ट की प्रॉब्लम है, ज्यादा तो नहीं करना, और अग्निसार क्रिया तो कर सकते हैं थोड़ी देर कपालभाति के बाद। योग यात्रा में अब तक आपने देखा हृदय रोग में एक्यूप्रेशर। योग यात्रा में आगे है हृदय रोग में अनुलोम विलोम प्राणायाम। योग यात्रा में अब तक आपने देखा हृदय की समस्या में एक्यूप्रेशर। अब अनुलोम विलोम प्राणायाम पूरी श्रद्धा से, भाव से, समर्पण के साथ करना। राइट नोस्ट्रल को बंद करो, लेफ्ट से श्वास, भीतर गहरा भरो और राइट से बाहर छोड़ो। राइट से पूरा अंदर लेना और लेफ्ट से बाहर छोड़ना। इस तरह से सहज होकर के काम, चारों ओर ब्रह्मानंद बरस रहा, ईश्वर कृपा बरस रही है, विराट का धन, असीम अनंत शक्तियां भीतर प्रविष्ट हो रही है, सबर अवरोध दूर हो रहे हैं, हृदय स्वस्थ हो रहा है, ब्लॉकेज निकल रहे हैं, सब कुछ सहज हो रहा है, सहज सहज सहज, ऐसे भाव से करना। शक्तिपात स्वयं भगवान करते, शक्ति का वर्षण होगा, अनंत शक्ति संपन्न
सर्वशक्तिमान ज्योतिर्मय तेजोमय सच्चिदानंद स्वरूप दयालु कृपालु प्रभो, अपनी दया दृष्टि अपनी कृपा दृष्टि तुम्हारे ऊपर करेंगे, तुम सहज तो हो ना। बाएं से प्रारंभ करते हैं अनुलोम विलोम को, बाएं पर एंड करते हैं, एक बार में एक मिनट दो मिनट तीन मिनट जितना आपका सामर्थ्य उतना करें, फिर रुक जाएं, फिर करें, फिर रुक जाएं, इस तरह से इसको 15 मिनट तक करें। लंबा गहरा श्वास भीतर फेफड़ों में भरेंगे, पूरी श्रद्धा के साथ सकारात्मक सोच के साथ पूरे समर्पण के साथ आस्था और विश्वास के साथ अनुलोम विलोम प्राणायाम। देखो ऐसे लीला साहू का असम से प्रश्न है, बाबा जी मेरा बेटा चना मटर फ्रेंच बीन मधु वगैरह कुछ भी खाता है तो शरीर पर धब्बे पड़ जाते हैं, कृपा उपचार बताएं। ये उसको एलर्जी है और इस एलर्जी के लिए एलोपैथ में तो ये समाधान है कि जिन चीज़ों से एलर्जी है उससे बचें। अब बच्चा है वो मटर तो कभी खा ही सकता है, चना भी कभी किसी भोजन में आ ही सकता है, आटे में आ सकता है, मधु वगैरह कुछ भी खाता है, अर्थात बहुत सी चीज़ों से बच्चे को एलर्जी हो गई है। एलर्जी का एक सीधा सा कारण आपके शरीर में एनर्जी का लेवल कम हो गया है। यदि आपके स्किन की एनर्जी का लेवल कम है तो स्किन की एलर्जी, नाक की एनर्जी का लेवल कम है तो नाक की एलर्जी, और यदि आपके इंटेस्टाइन और लीवर यदि आपकी वीक हैं तो आपको खाने पीने की चीज़ों की एलर्जी हो जाती है। तो एनर्जी सीधा मिलती है ऑक्सीजन से। तो आप प्राणायाम बच्चे को पूरा कराइए, 5 मिनट भस्त्रिका, 15 मिनट कपालभाति, अनुलोम विलोम, उसकी एनर्जी का लेवल बढ़ जाएगा, उसका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाएगा, तो एलर्जी मिट जाएगी। और इसके ऊपर तो हमने हजारों प्रयोग किए हैं कि प्राणायाम के करने से हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है, हमारा एनर्जी लेवल बढ़ता है, और जैसे ही इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है और एनर्जी लेवल बढ़ता है तो एलर्जी होने का फिर प्रश्न ही शेष नहीं रह जाता। तो लीला बहन मैं आपसे कहूँगा कि बेटे को प्राणायाम करवाइए और उसकी ये सब बीमारियाँ मिट जाएंगी, उसको शरीर पर धब्बे भी नहीं पड़ेंगे और ये सब चीज़ों को खा सकेगा और एक निरामय जीवन जी सकेगा। योग यात्रा में आज आपने देखा प्राणायाम से हृदय रोग में लाभ।